चीन में एक जाने माने राजनीतिक टिप्पणीकार और एक प्रसिद्ध महिला कारोबारी ने प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठाई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साल 2012 में चीन के राष्ट्रपति चुने गए थे और वहां के नियम के मुताबिक उन्हें साल 2023 में पद छोड़ना होगा। लेकिन चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने संविधान से उस धारा को हटाने का प्रस्ताव दिया है जो किसी शख्स को राष्ट्रपति के सिर्फ दो कार्यकाल देती है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो जिनपिंग चीन के स्थायी राष्ट्रपति हो जाएंगे, लेकिन अब चीन में इसके खिलाफ आवाज खड़ी हो रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के अति गोपनीय स्थलों में जाने से रोक लगा दी गई है। ऐसा कुछ गोपनीय सूचनाओं के सार्वजनिक होने के बाद किया गया है। ये फैसला व्हाइट हाउस के मुख्य कार्यकारी जॉन केली ने लिया है। सैंतीस वर्षीय कुशनर ट्रंप की बेटी इवांका के पति हैं और वो राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार भी हैं। व्हाइट हाउस प्रशासन ने ताजा फैसले से पूर्व कुशनर की पृष्ठभूमि को भी जांच करवाई थी। आपको बता दें कि इसके बाद गोपनीय स्थलों पर जाने और गोपनीय सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिहाज से उनके स्तर को नीचे किया गया। इस बाबत आदेश पीछे बीते शुक्रवार को जारी किया गया था। इससे पहले कुशनर को हर स्तर पर गोपनीय जानकारी उपलब्ध कराई जा रही थी। उनकी अमेरिका की सबसे ज्यादा गोपनीय दस्तावेजों और कार्यकलापों तक पहुँच बनी हुई है। अमेरिका ने आईएसआईएस के पश्चिमी अफ्रीका, बांग्लादेश और फिलीपींस में काम करने वाले आतंकवादी संगठनों को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इस संबंध में अमेरिका के विश्व विभाग के प्रवक्ता द्वारा जारी किए गए मीडिया नोट में बताया गया कि पश्चिम अफ्रीका, फिलीपींस और बांग्लादेश में काम करने वाले इन आतंकवादी संगठनों को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद इन संगठनों को किसी भी तरह की मदद पहुंचाना अपराध होगा और अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इन संगठनों की चल अचल संपत्ति को भी अनिरुद्ध कर दिया गया है। वॉशिंगटन के निकट अमेरिकी सैन्य अड्डे में बुधवार को संदिग्ध पदार्थ से भरे एक लिफाफे के खुलने के बाद 9 मरीन सैन्य कर्मियों समेत 11 लोगों की तबीयत खराब हो गई। एफबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये लिफाफा वर्जीनिया के आर्लिंगटन स्थित ज्वाइंट बेस फोर्स मायर हैंडरसन हॉल में प्राप्त हुआ था। लिफाफा एक गनरी सार्जेंट ने खोला था। एक मरीन अधिकारी ने एनबीसी न्यूज को बताया कि लिफाफे के संपर्क में आए लोगों ने अपने हाथों और चेहरे पर खुजली तथा नाक से खून आने की शिकायत की थी। इमारत को तुरंत खाली कराया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार एक कानून परिवर्तन अधिकारी ने बताया कि पत्र का परीक्षण किया गया, इसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं पाया गया। सीरिया में सरकार समर्थित सेना ने पूर्वी घोटा के हवश में अल दवाहिरा को अपने कब्जे में लिया है। राजधानी दमिश्क के निकट स्थित विद्रोहियों के कब्जे वाला एकमात्र इलाका था। रूस ने यहां पर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक युद्ध विराम लागू किया था। रूस और सीरिया ने इसके लिए विद्रोहियों को दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि सैनिकों ने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रास्ता बनाया था, लेकिन विद्रोहियों ने हमला जारी रखा, जबकि विद्रोहियों ने किसी भी तरह की गोलीबारी से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने बीते शनिवार को यहाँ पर 30 दिनों तक युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित किया था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गोलीबारी न रुकने से लोगों को सुरक्षित निकालना और राहत पहुंचाना नामुमकिन हो रहा है। रूसी वित्त मंत्री ने कहा कि 5 घंटे के युद्ध विराम से पूर्वी घोटा में मदद पहुंचाई जा सकती है। अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो आग लगाने और बुझाने दोनों का काम कर रहा है।
उद्योग जगत ने जीडीपी वृद्धि दर 7.2% पर पहुंचने को अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत बताया है। उद्योग संगठनों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग और कुछ सेवा क्षेत्रों में सुधार से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने एक बयान में कहा कि जीडीपी ग्रोथ में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि तीसरी तिमाही की तेजी के बल पर चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर के बढ़कर 6.6% पर पहुंचने का अनुमान है, जबकि पहले इसके 6.5% रहने की संभावना जताई गई थी। एसोचैम ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और कृषि क्षेत्र में सुधार से तीसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, इससे अगले वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर में और अधिक तेजी आने की संभावना है। पीएनबी महाघोटाला सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भले ही अब भारतीय जांच एजेंसियों की पहुंच से दूर हो, लेकिन सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के इंटर चीफ ऑडिटर को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर आयकर विभाग के अनुरोध पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ अलग अलग लुकआउट नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस जारी होने की तारीख से अगले एक साल तक के लिए वैध होगा। नीरव मोदी ग्रुप से जुड़े 4 अन्य प्रॉपर्टीज को भी इसमें अटैच किया गया है, जिसमें अलीबाग स्थित 13 करोड़ का एक फार्म हाउस है, साथ ही 135 एकड़ में फैला सोलर पावर प्लांट और अहमदनगर में 70 करोड़ में फैली संपत्ति भी शामिल है। सीबीआई ने कंप्यूटर विनिर्माता आरपी इन्फो सिस्टम्स में उनके निदेशकों पर बैंकों के गठजोड़ के साथ कथित रूप से 515.15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने बुधवार को इस मामले में कोलकाता में 6 स्थानों पर छापेमारी की। आरोप है कि कंपनी के निदेशकों शिवाजी पंजाक, कौस्तुभ रे और विनय बाफना तथा उनके उपाध्यक्ष ने केनरा बैंक और 9 अन्य बैंकों की गठजोड़ के साथ 515.15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। सीबीआई ने बुधवार को सभी आरोपियों के आवास और कोलकाता में कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय पर छापेमारी की। ये पहला मौका नहीं है जब कंपनी ने कानून का उल्लंघन किया है। इससे पहले 2015 में सीबीआई ने कंपनी द्वारा आईडीबीआई बैंक से 180 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। पहले आईडीबीआई बैंक गठजोड़ का प्रमुख बैंक था। देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। SBI ने अलग अलग मैच्योरिटी के मुताबिक 9 FD पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी 1 करोड़ से कम के जमा पर की गई है। बैंक ने ब्याज दरों में 0.10% से 0.50% तक बढ़ोतरी की है। नई दरें बुधवार से लागू हो गई हैं। SBI ने 9 FD के ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 7 से लेकर 45 दिन के डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़ाकर 5.75% कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया, जबकि एक अन्य आतंकी को घेर लिया गया है। दरअसल गुरुवार सुबह बांदीपुरा के हाजिन इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी के शक में कार्डन तलाशी अभियान चलाया। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को देखते ही आतंकी घबरा गए और फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की फायरिंग का करारा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी फायरिंग की, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 5:15 सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया। हालांकि आतंकी कितनी संख्या में है और कहां छिपे हो सकते हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है।
राजधानी दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को एक दिन के रिमांड पर भेजा गया था। हालांकि सीबीआई ने कार्ति के 15 दिन के रिमांड की मांग की थी, आज फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कार्ति पर आईएनएक्स मीडिया कंपनी को कानूनी सीमा से अधिक विदेशी निवेश की अनुमति दिलाने का आरोप है। कांची काम कोटी पीठ के प्रमुख शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को आज समाधि दी जा रही है। उनके अंतिम संस्कार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानी स्वामी समेत दक्षिण की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे, हालांकि उनकी ओर से केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा शामिल होंगे। बुधवार को निधन के बाद करीब 1 लाख से अधिक लोग उनके अंतिम दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि जयेंद्र सरस्वती का देहांत बुधवार सुबह हुआ था और वो 42 वर्ष के थे। माफ कीजिएगा, 82 वर्ष के थे। जयेंद्र सरस्वती को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने कहा है कि क्रांतिकारियों ने जो देश की आजादी का सपना देखा था, उसे नेताओं ने ध्वस्त कर दिया है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में उन्होंने कहा कि आज देश के सभी दल जनता का पैसा हजम करने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें जनता ने 2019 में मौका दिया तो वो इस व्यवस्था को बदल देंगे और क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाने का प्रयास करेंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आगामी शिक्षा सत्र से बच्चों को गायत्री मंत्र का नियमित तौर पर जाप कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र एक ऊर्जा मंत्र है। हमारे देश में हर साल सीवेज की सफाई करते वक्त सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने केंद्र सरकार को देश में सीवरेज की सफाई के लिए मशीनों का प्रयोग करने का प्रस्ताव मंजूरी करने के लिए भेजा है। कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन मनोहर बालजी भाई जाला ने कहा कि इस प्रस्ताव के मंजूरी मिलने के बाद से ही सीवरेज की सफाई करना बंद हो जाएगा। इसके अलावा आयोग राज्यों में सफाई कर्मचारियों में जागरूकता लाने, स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल कैंप और सफाई कर्मियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने का भी एक विशेष योजना तैयार कर रहे हैं। हरियाणा के इंद्री के गांधीनगर गांव के प्राइमरी स्कूल में बिजली न आने के कारण अध्यापक और बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक स्कूल की तरफ से बिजली का बिल जमा नहीं करवाया गया, जिस कारण बिजली विभाग ने स्कूल की बिजली का कनेक्शन काट दिया। बिजली कट जाने से स्कूल में पानी और अन्य सुविधाएं बंद हो गई है। छात्रों को पानी पीने के लिए मिड डे मील वर्करों को भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। गांव की पंचायत द्वारा बिजली बंद किए जाने की राशि अदा न करने से परेशान बढ़ गए हैं लोग। और वहीं आपको बता दें कि बार बार सूचित करने पर भी शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। साइबर सिटी गुरुग्राम के स्कूलों में छात्रों के द्वारा कहीं हत्या तो कहीं टीचर को अश्लील मैसेज और धमकी देने के मामले सामने आ रहे हैं, तो शहर के एक और प्राइवेट स्कूल का ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में मौजूद प्राइवेट स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र पर क्लास में देसी कट्टा लेकर आने का आरोप है।
देसी पिस्तौल के साथ स्कूल पहुंचे छात्र के बारे में जैसे ही स्कूल प्रबंधन को जानकारी मिली तो प्रिंसिपल के द्वारा इस बारे में पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने स्कूल की के द्वारा दी गई शिकायत पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने आरोपी छात्र और उस युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है जिससे छात्र देसी पिस्तौल लेकर आया था। हिमाचल में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के हिसाब दो सांसद पर बयानबाजी तेज कर दी है। हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खू और पूर्व सीएम वीरभद्र की लड़ाई में हमीरपुर का खूब नुकसान हुआ है। सांसद ने कहा कि बीजेपी ने 4 साल के कार्यकाल में इलाके के विकास को जो भी किया है उसका कांग्रेस कभी मुकाबला नहीं कर सकती। नंगल ऊना और तलवाड़ा में रेल लाइन परियोजना मंजूरी दिलवाना सबसे बड़ा हिसाब है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को पर्यटकों से फिर से गुलजार करने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने कसरत शुरू कर दी है। पर्यटन को जम्मू कश्मीर की तरफ आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग ने पड़ोसी राज्य हिमाचल की तरफ रुख किया है। शिमला में जम्मू कश्मीर ट्रैवल एसोसिएशन की ओर से शिमला में ट्रैवल मीट का आयोजन किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर की पर्यटन मंत्री प्रिया सेठी ने शिरकत की और हिमाचल के लोगों को जम्मू कश्मीर आने का न्योता दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री को निशाने पर लिया। सत्ती ने मुकेश अग्निहोत्री को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता बीजेपी कार्यकाल में कौड़ियों के भाव बिकी जमीनों का ब्यौरा दे, नहीं तो बेहतर होगा कि कांग्रेस विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाए और अपने कुनबे को संभाले।